हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आज के नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आज दिन संडे है, तारीख 14 है। मुझे आज दवा खाना अपने पैर के लिए, मेरे एक पैर में फाइलेरिया है, आप देख सकते हैं ये मेरा पैर, और दूसरा ये वाला है, इसी की दवा लेने जाना है। आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कौन सी दवा है। रूम का रास्ता है, टू रास्ता, तिराहा, वन टू और ये थ्री। जीवन तमाम बा ये जो ऊपर बेलिस के छछड़ा है, ये दरअसल दवा, इसका नाम करुआ कुंदरू का है। ये लोकेशन है सरकारी स्कूल, बस ओके। इतना सारा तोड़ लिया, काफ़ी है इतने के लिए। यार गंदे जंगल में घुस के तोड़ना पड़ता है, वैसे रहा मेरा पैर सही हो जाए इसलिए। ये देखो ये, और ये बिलायती बम्बूर का पेड़ है, इसी पे छछड़ा है वो। एक मिनट, सेवल चल रहा है, पानी साफ करने के लिए चलाया हुआ है। और ये इधर का बाहर का थोड़ा सा देख लीजिए, सरकारी स्कूल का बाउंड्री है, पीछे बस्ती है और रोड है, मस्त है। ये रोड है, बाउंड्री तोड़ लिया। चलो आगे, वापस अपने लोकेशन पे रिटर्न हो रहे हैं अपने दवा लेके। तो भाई लोग आ गए यार वापस अपने रूम की तरफ। दवा लेके तो आ गए, अब उसको बनाना है, गिलास पर रख के कुचड़ना पड़ेगा, कुचड़ना मतलब पीसना पड़ेगा, उसके बाद फिर खाएंगे, दिन भर उपवास रहेंगे। कैसे बनाते हैं अभी आप लोगों को बताते हैं फिर। भाई यही है दवा यार, एक करुआ कुंदरू का पत्ता है, और इसी को भी पीस कर मैं गिलास पे बनाऊंगा, इससे पीसूंगा। ये रोटी बनाने के भी काम में आता है और कुचड़ने के भी। तो गाइस फाइनली बनकर ये तैयार हो गया है, ये उसी को पीस के बनाए हैं। अब इसको खाने के बाद दिन भर मुझे उपवास रहना पड़ेगा, शाम को 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद ही खाना खाना है, तब इस दवा का थोड़ा ज़्यादा असर होता है। नहीं तो खाने के बाद तुरंत खाना खा लो तो उस हिसाब से असर नहीं करती है ये। तो फिलहाल तो आज मुझे पूरा दिन उपवास ही रहना पड़ेगा बिना कुछ खाए हुए। चलो करते हैं कुल्ला और नहाते हैं, फिर तैयार होते हैं अपनी कंपनी जाने के लिए।
तो भाई लोग यार मंजन कर ले। नहा ले उसके बाद फिर दवा खाते फिर बताते उसका स्वाद कैसा है। ठीक है तो भाई लोग यार फाइनली हम नहा लिए हैं, अब खाएंगे अपनी दवा फिर बताएंगे आपको उसका स्वाद कैसा है। वैसे खाया मैंने कई बार है, अगर आप लोगों को दिखाते हैं इसका स्वाद इससे है जैसे लग रहा है कि कोई नीम का पाती मुझे खिला रहा। बहुत कड़वा है यार कसम से, फिर भी खाना पड़ता है। मेरे पैर में फाइलेरिया है, देख लीजिए आप, और ये मेरा पैर देख लीजिए। आज इसको लगभग 10 साल हो गया, 2012 में अचानक हो गया था मेरे पैर में, और क्या बताओ यार तब से मैंने कितना तकलीफ है सही इसके लिए। आज भी सह रहा हूँ, दवा खा रहा हूँ, यही उम्मीद से कि सही हो जाए। अगर आपके पास कोई दवा है तो बताइएगा कमेंट में, और इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा, ताकि इससे इसका और कायदे से मुझे पता चल सके और मैं कायदे से दवा कर सकूँ। तो भाई प्लीज़ यार बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ठीक है वैसे बहुत परेशान रहता हूँ मैं इससे, एक ऐसा रोग है जिससे मैं कुछ खा नहीं सकता पी नहीं सकता, फाइनली दवा खा ले भाई। हेलो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो गाइस ड्यूटी जाने का समय हो गया भाई, तो आज का ब्लॉग यहीं पर संपन्न करते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए राम राम, डटे रहिए अपने काम पे, लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए सक्सेस होने के लिए, क्योंकि भाई बिना सक्सेस के कुछ सक्सेस नहीं है। तो फिर चलते हैं, जय हिंद, मुस्कुराते रहिए जी तोड़ के।